तो हमारा रीसाइक्लिंग व्यूज है वो सिंपल जब एक बार लोड होने के बाद जब दूसरी बार हम उसे स्क्रॉल अप एंड डाउन करें तो ऑलरेडी जो हमारा व्यू मेथड क्रिएट हुआ हुआ था तो सिंपल उसके बाद हम क्या यूज करें सिंपल बाइंड व्यू मेथड यूज कर लें तो गाइस जैसे अगर इस वक्त मेरे उसमें जो मैंने स्क्रॉल ऊपर कर दिया राइट टॉमी ऊपर निकल गया था तो गाइस

क्या था? हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती थी और हमें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर देनी पड़ती थी तो हम लोडर्स का वहां पे यूज करते थे किस कि स्टेट सेव करा लेते तो बेसिकली ये भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसने क्रिएट करा

उसमें हमारा एक एक्सिस्टिंग डेटा है जो क्रिएट हुआ था किसकी फर्स्ट वाला पहले फर्स्ट मेथड रन हुआ हमारा व्यू वाला वाला उसके बाद हमारा सेकंड तो तो जब हमने दोबारा बैक कराया और फंक्शनैलिटी करी सिंपल तो क्या करा हमने बाइंड व्यू मेथड में जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग डेटा था जैसे हमारा पहले एक्सिस्टिंग डेटा क्या पड़ा हुआ था टोटो पड़ा हुआ था या कोई भी जो फर्स्ट पैट हमारा भी था उसको जब ये बैक्स्टर पैट आया नई इंफॉर्मेशन आई तो बेसिकली उसने क्या करा रिप्लेस कर दिया व्यू मेथड में डेटा को एंड आई गाइस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि कैसे रिप्लेस कर रहा है क्यों हो रहा है बट अगर आप थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्चुअली सोचो तो बिल्कुल परफेक्ट सेंस बनता है इस पे कि कैसे रन करता है क्योंकि रिसाइकलिंग यही था कि कैसे हमारे जो एग्जिस्टिंग व्यूज हैं हम उसको क्या कर सके रिसाइकल कर सके राइट right? तो ये ऐसे वर्क करता है जो इंस्ट्रक्शंस हमारे जो हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं हमारे कर्सर एडेप्टर में कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो वो बेसिकली गाइस जो बिहाइंड द सीन्स वर्क होता है वो ये वाला है एंड इसको हम यूज करेंगे फर्दर मोर तो गाइज मैंने यहाँ पे इसका जस्ट दे दी है किसकी जो हमारी कर्सर की है इसे सिंपली आप कॉपी कर सकते हो या फिर आ, आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो कोई इशू नहीं है तो बेसिकली गाइज हमारा जो कर्सर अडेप्टर की हमें जो प्रॉपर्टीज यूज करनी है वो सिंपल मैं क्या करूंगा एक दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लेंगे कर्सर अडेप्टर की मैंने अभी आपको बताया था कि कर्सर अडेप्टर जो है हमारा क्या है गाइज एक एब्सट्रेक्ट क्लास है तो एबस्ट्रेक्ट क्लास में गाइज जो हमारे मैथर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंटेड नहीं होते हैं इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक अपनी क्लास डिफाइन कर रहे हैं एंड जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी कर्सर किसकी की उसको हम क्या कर रहे हैं यूज करेंगे किसके थ्रू एक कस्टम क्लास के थ्रू अब अगर गाइज आप इस कस्टम क्लास में देखो तो सबसे पहले हमारा जो ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है एक हमारा कंस्ट्रक्टर के है राइट right? और ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है एक सुपर कॉल कर रहा है और इनिशियलाइज कर रहा है क्या जो इसमें वैल्यूज है राइट right? अब गाइज यहाँ पे इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो हम इनिशियलाइज क्यों करवाते हैं एंड क्यों यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हैं बेसिकली जब भी कोई हमें नैरेट करते हैं हम हमेशा इनिशियलाइज कर ही लेते हैं गाइज क्योंकि उसका रॉन्ग इनिशियलाइजेशन नहीं हो जाए कहीं पे इसलिए बेटर है कि आप उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल करके सुपर कंस्ट्रक्यू गाइज और यहाँ पे सुपर क्यू यूज कराए क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये एक क्या चाइल्ड क्लास है जो हम क्या यूज कर रहे हैं पेरेंट क्लास यूज कर रहे हैं राइट इसके बाद हमारे दो यहाँ पे मेथड्स हैं पब्लिक व्यू न्यू व्यू तो यहाँ पे हम न्यू व्यू को डिस्कस कर चुके हैं गाइस कि कैसे हमारा जो ये था स्टेप फर्स्ट जो व्यू क्रिएट करता है किसमें जब हमारी इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट वाला क्या है कि जैसे ही हमारा डेटा लोड होगा जो फर्स्ट मेथड रन होगा कौन सा रन होगा न्यू व्यू का इसमें हमारे कर्सर एंड व्यू ग्रुप पेरेंट क्या है पैरामीटर है इसके एंड इसके जो टू डू है guys, वो हम बाद में देखेंगे कैसे ये क्रिएट करेगा और रिटर्न करेगा ब्लैंक लिस्ट किस में आइटम में और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो तो ये वाला मेथड किस टाइप का है व्यू टाइप का है मतलब व्यू जनरेट कर रहा है होपफुली फुली यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इसके बाद हम चल रहे हैं सेकेंड मैथड पे इस पे ही क्या है बाइंड व्यू मैथड इसमें हम बात कर चुके हैं ये क्या है जो न्यू व्यू है ये है सिंगल आइटम के लिए हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू व्यू क्या है एक सिंगल आइटम के लिए डिस्प्ले करने के लिए खाली और जो हमारा बाइंड व्यू है गाइज वो क्या है पॉपुलेट करने के लिए लिस्ट को दोनों में डिफरेंस है दोनों की अलग अलग वर्किंग है दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे और इनका बेसिकली हमारे कैसे वर्क करेगा गाइस कर्सर के साथ वर्क करेगा जो क्या करेगा पॉपुलेट करने में हेल्प करेगा किसको लिस्ट व्यू को अब गाइस एक इसका एक क्या देख लेते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं फुल रिटर्न कोड है एक हमारे किसका कस्टम अडेप्टर का कस्टम कर्सर का सॉरी एंड देख लेते हैं कि थोड़ा सा कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है एंड इसका बिहाइंड थोड़ा सा जिस कोड्स हैं गाइस उसे थोड़ा सा डिटेल में ना समझ के बस ऊपर ऊपर का समझ लेते बेसिकली कैसे कैसे वर्क करेगा ताकि जब हम इसमें वर्किंग में जाए थोड़ा सा बेटर हम एंड्रॉइड स्टूडियो में कोडिंग कर पाएगा इसकी तो यहाँ पे एक हमारे पास ओवरव्यू है गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या अडेप्टर व्यू है, है। बेसिकली व्यू जो हमारा लिस्ट व्यू है ये अडेप्ट व्यू वही है जो कहाँ से डेटा फेच कर रहा है जैसे हमारे लिस्ट व्यू व्यू में गाइस जो शो कर रहा था वो कहां से शो कर रहा था कर्सर अडेप्टर से तो ये बेसिकली वही है अडेप्टर एंड ये जो अडेप्टर है ये कहाँ से ले रहा है हमारा डेटा सोर्स से ले रहा है इसके अंदर जो हमारा किस टाइप का ये डेटा सोर्स कर्सर टाइप का है तो यहाँ से तो वही गाइस हमारी ये ये कस्टम एर कस्टम करसर अडेप्टर है गाइस उसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं आप तो इसमें बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि कैसे पॉपुलेट करना है हमें लिस्ट व्यू को किसका एक कर्सर अडेप्टर का तो यहाँ पे हमारे पास कर्सर अडेप्टर की दो डेफिनेशन है गाइस यहाँ पे अगर देखेंगे हमारी जो टेबल है एक बॉडी टाइप की है जिसमें क्या है मिल्क और लॉन्ड्री है और एक क्या है हमारे पास दूसरी बॉडी है जिसमें टेबल के अंदर जो क्या है प्रायोरिटी प्रायोरिटी है एंड उसमें गाइज ये हमारे पास एक एग्जाम्पल की टेबल है कि अगर ये हो तो कैसे वर्क करेगा राइट right? तो गाइज हम अगर, अगर अब इसमें नीचे आ जाए इसकी टेम्पलेट देख लेते हैं कि हमें कैसे क्रिएट करना है और बेसिकली क्या है टेम्पलेट uh, बेसिकली क्या हुई गई जो हमारा एक्सएमएल लेआउट था राइट right? जो हमने लेआउट इन्फ्लेट करना था यहाँ पे उसको क्या कह दिया है टेम्पलेट कह दिया है कोई डिफरेंस नहीं है एंड यहाँ पे एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप देखो यहाँ पे ये वाली जो टेम्पलेट है या फिर जो लेआउट है ये बेसिकली है कहाँ यहाँ पे हमें रिसोर्स में लेआउट में एक इन्होंने एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर दिया है किस नाम से आइटम टू अब गाई जब इन्होंने आइटम टू टू नाम से दे दिया है तो बेसिकली इससे हमें पता चल रहा है क्या है एक पर्टिकुलर आइटम हमने बात करी थी कि जो हमारे फर्स्ट व्यू आइटम के लिए यूज हो रहा है पर्टिकुलर वन आइटम के लिए बेसिकली उसके लिए बनाया गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है लीनियर लेआउट है और किस टाइप का है हैजोनटल टाइप का है इसके अंदर हमारे दो हमारे अंदर हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू है ओके एक तो बॉडी के लिए है एक प्रायोरिटी के लिए है तो गाइस जब इसको इन्फ्लेट करेंगे तो बेसिकली ये दिखेगा कैसे हमारा कुछ ऐसा दिखेगा राइट right? एक तो हमारा लिस्ट व्यू आ गया जिसमें जो हमारे टास्क थे जो एक तो गेट मिल्क था जिसकी प्रायोरिटी क्या थी टू और एक क्या था डू लॉन्ड्री जिसकी प्रायोरिटी क्या थी गाइस थ्री ये किस तरह डेटा रिक्वेस्ट करेगा किस से जो हमारा टू डू कर्सर अडेप्टर था टू डू कर्सर अडेप्टर कौन सा है गाइस जो हमारे इसमें एग्जांपल में गिवन है और ये कहाँ से डेटा फेच कर रहा है जो कर्सर ऑफ टू डू आइटम्स है वहां से डेटा फेच कर रहा है और उसके कुछ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो गैस हमने यहाँ पे क्या कर लिया सिंपल डिफाइन कर दिया किसको अडेप्टर को और यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्होंने क्या क्लास क्रिएट कर लिया टू डू कर्सर अडेप्टर जो क्या कर रहा है एक्सटेंड कर रहा है किसको कर्सर अडेप्टर को जैसे हमने अपने पैच में अभी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम कर्सर अडेप्टर को एक्सटेंड करेंगे एक कस्टम क्लास बना के सिंपल गाइज यहाँ पे भी वही हो रहा है इन्होंने क्या करा है एक टू डू कर्सर अडेप्टर की क्लास बनाई जो क्या एक्सटेंड कर्सर अडेप्टर को यहाँ पे क्या आ गया उसका कंस्ट्रक्टर आ गया जो इनिशियलाइज कर दिया अब गाइज यहाँ पे हमने जो फर्स्ट मेथड की बात करी थी न्यू व्यू इन्होंने वो क्रिएट कराया एंड सिंपली उसके बाद लेआउट इन्फ्लेट कर दिया है लेआउट इन्फ्लेट करके इसके अंदर पैरामीटर्स दे दिए और कौन सी अगर आप इसमें इन्फ्लेट जो करी है हमारी कौन सी लेआउट फाइल इन्फ्लेट करी है इसमें वही वाली फाइल है जो हमने अभी टेम्पलेट देखी थी पीछे एंड वो बेसिकली क्या मैंने आपको क्या बताया था आइटम टू डू वाली का मतलब सिंगल आइटम के लिए है तो सिंपल का इज यहाँ पे इन्फ्लेट हो रही है तो इसका काम यहाँ पे कम्प्लीट हो गया और अब जब हम किस में आएंगे बाइंड व्यू में आएंगे

हमेशा ट्रैक रखना कि जो हमारा कर्सर था उसकी पोजीशन कौन से रो पे चल रही है या कैसे हमें मूव करना है तो ये सारे काम हमें खुद से नहीं करने हैं ये कौन से हमारी ऑलरेडी जो इनहेरिट कर रहे हैं हम कर्सर अडेप्टर क्लास ये वो हैंडल करेगी एंड इसमें हमें कुछ नहीं करना है तो इससे हमें क्या बेनिफिट है एक तो हमारी जो वर्किंग है वो लेस हो गई है क्योंकि ये ऑलरेडी जो फंक्शनैलिटी है ऑलरेडी क्या है प्री डिफाइंड है किस में? में तो उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब आप देखो देखोगा जो हमारा बाइंड व्यू था उसमें क्या है हमारा टैक्स व्यू ले लिया हमने और दो टैक्स व्यू ले लिए एक टीवी बॉडी एक टीवी प्रायोरिटी और उसमें मैंने क्या कर दिया सबसे पहले फाइन व्यू बाय आईडी कर दिया और क्या डाल दिया जो हमारी आईडी डी थे किसके टेक्स्ट व्यू के गाइस किसमें डाल दिए एक दूसरे टेक्स्ट व्यू में डाल दिए अब इसके बाद देखो इसके बाद नीचे अगर हम देखेंगे तो जो हमारी कर्सर था कर्सर जिस पोजीशन पे है मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था गाइस ये पीछे, पीछे जो पीछे वाले लेसन थे जो अगर हमारा कर्सर अब जीरो इंडेक्स पे है तो उसके कॉलम की जो वैल्यू है वो कैसे फेच करोगे आप तो उसकी जो हमने वैल्यू फेच करेंगे एक हमने स्ट्रिंग लिया बॉडी उसमें कर्सर लिया गेट स्ट्रिंग हमने get method already discuss कर चुके हैं जब get string करा तो तो पे 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 जो पे होगा पे वाले उस पे, तो get string पे आया और column index किसकी वैल्यू हमने बॉडी कॉलम इंडेक्स पे भी बात कर चुके हैं कि कैसे कॉलम इंडेक्स से हमें वैल्यू फेच करनी है और कर्सर जहाँ पे है वहां से कौन सी वैल्यू पे बॉडी वाली वैल्यू पे हमें वैल्यू फेच करनी है वो किसमें स्टोर हो गई बॉडी में प्रायोरिटी वाले एक हमने वेरिएबल बनाया और उसमें प्रायोरिटी वाले कॉलम इंडेक्स की जो वैल्यू है अब गई इस कॉलम इंडेक्स की वैल्यू होपफुली आप भूले ना हो कॉलम इंडेक्स की वैल्यू जो हमारे कॉलम्स में वैल्यूज होती हैं तो यहाँ पे जब प्रायोरिटी और बॉडी लिखा हुआ है राइट गेट कॉलम इंडेक्स ऑफ और गेट कॉलम इंडेक्स और थ्रो तो ये बेसिकली बॉडी एंड प्रायोरिटी जो लिखा हुआ है कॉलम के नेम लिखे हैं और उसके अंदर की जो वैल्यू है वो सेट होगी गाइज उसके अंदर अब यहाँ पे हमने क्या करा जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर रहे थे उस पे सेट कर दिया क्या बॉडी और जो मैंने टीवी प्रायोरिटी वाली क्या टेक्स्ट व्यू पर सेट किया था उस पे क्या सेट टेक्स कर दिया मैंने जो प्रायोरिटी की हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स सेव करा था तो बेसिकली ये जब रन होगा गाइस जो उस वक्त कर्सर जिस रो पे होगा उसकी वैल्यू फेच होगी किसमें बॉडी में और जो टेक्स व्यू है उसकी ऑलरेडी हमने टेक्स व्यू आईडी से क्रिएट करके इसमें फेच कर रखी है टीवी बॉडी टीवी प्रायोरिटी में तो गाइस सिंपल हम इस वाले टेक्स व्यू में सेट से इस टाइम पे जो हमने गेट कॉलम इंडेक्स से जो कॉलम की वैल्यू उठाई है और डाली है किसमें बॉडी एंड प्रायोरिटी वाले वेरिएबल वे 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 में वो बेसिकली इसमें क्या कर देंगे सेट टैक्स के उससे हेल्प से फीड कर देंगे